बात करने जा रहे हैं बर्दवान गोल्ड फैक्ट्री जो एलडीएस कॉलेज चंडीगढ़ रोड के पास स्थित है, इसमें मजदूरों का एक से डेढ़ महीने तक का तनख्वाह नहीं दिया है, जिसको लेकर राज सिंह राजपूत युवा नेता के द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है मजदूरों को लेकर के। हम इसे जानेंगे क्या कुछ हो रहा है मजदूरों के साथ। नमस्कार जी, मैं राज सिंह राजपूत, प्रधान मजदूर यूनियन। ये जो कंपनी है वर्धमान गोल्ड, यहाँ पे तकरीबन शुरू से लेके आज तक जितना भी केस आया है, ये मालक का ये असूल है कि दो तीन महीना काम कराता है, उसके बाद ना उनको बिना तनख्वाह को बाहर कर देता है। जैसा कि आज आप लोग सभी को देख सकते हैं कि कोई एक महीना कोई डेढ़ महीना से यहाँ कितने काम किया है। एक तो लॉकडाउन से पहले ही सभी को बहुत बुरा हाल था, उसके बाद ये मालक ने इन लोग का नहीं एडवांस दिया नहीं पेमेंट दिया, आज इनको इनको बाहर कर दिया और इनको पेमेंट भी दिया। जब इन्होंने सवाल किया कि हाँ जी हमारा पेमेंट दो, ये मालिक बोलता हम पेमेंट नहीं देंगे, जाओ जो करना है करो। मतलब है कि जो हिटलर शाही होता है, ये मालिक के अंदर कोई भी इंसानियत नाम का चीज नहीं है। ये मालिक बिल्कुल ही गिरा हुआ है, विनोद शर्मा इसका नाम है और इसका जो मैनेजर है सकी वो भी बहुत ही नीच काम करता है। तकरीबन देख सकते हैं आप लोग इतने मजदूर लोग हैं ना जो कि पहले ही लॉकडाउन से ये जूझ रहे हैं, उसके बाद भी ये हाल हो चुका है। सर माननी चाहिए ऐसे कंपनी मालक को। और अभी हमारे अखिल भारतीय मजदूर परिषद के प्रधान चित्रंजन जी भी आ गए हैं, वो भी अंदर मालक से बात करके आए हैं, बाकी वही बताएंगे आपको कि क्या हुआ है। हमारे साथ अखिल भारतीय मजदूर परिषद के प्रधान चित्रंजन जी मौजूद है, अभी इनकी मालिक से बात हुई है, क्या बात हुई आपकी? बात ऐसा है जो कंपनी मालक का है वो ढुलमुल नीति है कि कभी भी वर्करों का जितना भी इनके फैक्ट्री में वर्कर काम करता है किसी भी वर्कर को मात्र 10-20 वर्कर को फैक्ट्री एक्ट के अधीन रखा होगा, बाकी A to Z जो वर्कर हैं उनको अनलीगल रखा हुआ है, दिहाड़ीदार के तौर पर इनको काम कराता है और जब इनकी ज़रूरत होती है तब वर्करों को बुला लेते हैं। यही सब वर्कर नहीं है, आगे भी इस तरह की घटनाएं इनके साथ मजदूरों के साथ ये होते रहते हैं। एक तरह का कहा जा सकता है कि हिटलर शाही दिखा रहे हैं। हाँ, जब ज़रूरत इनकी नहीं है वर्करों को बिना वजह से निकाल देंगे, बिना नोटिस दिए निकाल देंगे। इस फैक्ट्री में ये शाही नहीं है, इन किसी भी वर्करों को PF नहीं कटा होगा, जबकि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जाते ही कंपनी के अंदर बढ़ते ही ESI ऑनलाइन नंबर लिया जाता है, किसी भी वर्कर का ESI नंबर नहीं लिया गया होगा। इसी तरह ये फैक्ट्री में जितने भी फैक्ट्री एक्ट का उल्लंघन हो सके उससे 10 गुना एक कंपनी मालक फैक्ट्री एक्ट का उल्लंघन करता है। और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे फैक्ट्री को एक मजिस्ट्रेट का इंक्वायरी लगाया जाए और तमाम चीज़ तमाम पहलू पर जिसमें सुरक्षा कितना है, कितने वर्कर काम करते हैं, कितना हाजिरी लगता है, सभी जाँच होनी चाहिए। और जो वर्कर का भी मांग है पेमेंट का वो मैं बोला हूँ लिस्ट बनाओ, वर्करों को पेमेंट करें, जब तक पेमेंट नहीं होगी वर्कर ही बैठेगा। इनके हिटलर शाही के खिलाफ आपके द्वारा और क्या कुछ करने का प्लान है? मैं इसके खिलाफ लिखित शिकायत करूँगा, DC को भी, लेबर कमिश्नर को भी शिकायत करूँगा, PF ESI तीनों डिपार्टमेंट में मैं इनकी लिखित शिकायत करने जा रहा हूँ कि ऐसे फैक्ट्री है जो फैक्ट्री एक्ट है ही नहीं। आप सुन रहे थे मजदूरों के नेता कॉमरेड चित्रंजन जी को, जिन्होंने कहा साफ तौर पर कि कमिश्नर के दफ्तर लिखित आवेदन दिया जाएगा मजदूरों के तनख्वाह दिलवाने के लिए। कैमरामैन मानस के साथ मैं निखिल कंट्री इनसाइड।